नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे, मैं हूं प्रीति। आइए खबरों का आगाज करते हैं हेडलाइंस के साथ। 16 घंटे के बाद सिडनी में बंधक संकट खत्म, दोनों भारतीय सुरक्षित, जवाबी कार्रवाई में बंदूकधारी समेत 3 की मौत। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, कोहरे और बारिश से सामान्य से नीचे पहुंचा तापमान, हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी। विजय दिवस पर रक्षा मंत्री समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने दी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर जीत की याद में देश में कई कार्यक्रम। डॉक्टर विवेक मूर्ति बने अमेरिका के सबसे कम उम्र के सर्जन जनरल, बराक ओबामा ने बधाई देते हुए स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने पर दिया जोर। और विश्वनाथन आनंद ने जीता लंदन क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट का खिताब, 5वें दौर में ब्रिटेन के माइकल एडम्स को हराया। राज्यसभा में आज बीमा विधि संशोधन विधेयक 2008 पर चर्चा हो सकती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली इस विधेयक को पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। इस विधेयक पर प्रवर समिति ने 10 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। समिति ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को 49% करने की सिफारिश की थी। हालांकि तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सीपीएम और जेडीयू ने रिपोर्ट पर असहमति पत्र देकर अपना विरोध जाहिर किया था। राज्यसभा में प्रवर समिति की सिफारिशों के साथ विधेयक पर चर्चा होगी। चंदन मित्रा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति के रिपोर्ट में कहा गया है कि बीमा कंपनियों पर जुर्माना अपराध की गंभीरता के अनुरूप लगना चाहिए। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि मनमाने तरीके से व्याख्या की गुंजाइश को खत्म करते हुए प्रावधानों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। प्रवर समिति का कहना है कि जीवन और साधारण बीमा के मुकाबले स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में न्यूनतम चुकता शेयर पूंजी को कम नहीं किया जाना चाहिए। समिति ने स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र को शीर्ष प्राथमिकता दिए जाने पर जोर दिया है। साथ ही समिति ने बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी इरडा से नामित व्यक्ति के संबंध में संशय को दूर करने के लिए परिभाषा स्पष्ट करने को कहा है। इसके अलावा समिति ने एजेंटों को उचित कमीशन की समुचित प्रणाली स्थापित करने और कमीशन की दरें बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप इरडा से तय किए जाने की सिफारिश की है। सरकार और विपक्ष में जारी गतिरोध की वजह से कई अहम बिल अधर में लटकने के आसार दिख रहे हैं। सत्र पूरे होने में अब सिर्फ 6 दिन का वक्त बचा है, लेकिन राज्यसभा में सरकार को विपक्ष का भारी विरोध झेलना पड़ रहा है। जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री से बयान की मांग करते हुए सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी। जबरन धर्मांतरण पर रोक के लिए राज्यसभा में एकजुट विपक्ष ने प्रधानमंत्री की तरफ से आश्वासन की मांग की। विपक्ष ने धर्मांतरण शिविरों को देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर धब्बा करार दिया। विपक्षी सांसदों ने आगाह किया कि अगर ऐसी घटनाओं को नियंत्रित नहीं किया गया तो देश में हालात बेकाबू हो जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि पूरा सदन प्रधानमंत्री की मौजूदगी में एक आवाज में देश को कहे कि भारत गणराज्य, भारत का प्रजातंत्र इसको स्वीकार नहीं करेगा और वो प्रधानमंत्री के रूप में इस पर कार्रवाई करेंगे। The situation in the country is leading to a civil war. For a meaningful discussion which the opposition wants a discussion. We want the Prime Minister here. That's the difference. विपक्षी सांसदों ने बीजेपी के एक सांसद की आपत्तिजनक टिप्पणी का भी मुद्दा उठाया। दूसरे हाउस के सदस्य जाकर इस तरीके के भाषण दिए धर्म परिवर्तन के बारे में, लेकिन जो MP है सदन के, जो इलेक्टेड है उस पार्लियामेंट में, वो तो आपके हाथ में है। पार्टी के अनुशासन में रखना लोगों को, ये तो आपके हाथ में। सदन के नेता अरुण जेटली ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही में अवरोध पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। Is the opposition willing for a total ban on religious conversions or a ban on forcible religious conversions? Let them tell us the option. For either of the two options, the government is ready. सरकार और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध की वजह से भोजन अवकाश से पहले सदन की कार्यवाही 3 बार स्थगित हुई। भोजन अवकाश के बाद भी गतिरोध जारी रहने पर सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी और आखिरकार दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। कृति मिश्रा, राज्यसभा TV। 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे के मौके पर स्कूलों में सुशासन दिवस मनाने के मुद्दे पर घिरी सरकार ने सोमवार को सदन में सफाई दी। सरकार ने कहा कि सुशासन दिवस मनाने के लिए स्कूलों को खुला रखने के निर्देश नहीं दिए गए हैं।
सरकार ने अपनी सफाई में यह भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर स्कूलों में सिर्फ ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सीपीएम सहित कुछ अन्य दलों ने ये मुद्दा उठाया। क्रिसमस के दिन ये कहा गया कि आज जो है वो क्या एक कंपटीशन लगा रहे हैं जहाँ पर गुड गवर्नेंस पे और पूरे स्कूलों को खुला रहने का आज जो है वो नोटिस आया। इस पर नेता सदन और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सफाई दी। उन्होंने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। The HRD minister just told me there is no instruction, no school is functioning on Christmas day. There is only an online essay competition which is on. That's all. क्रिसमस के दिन नवोदय स्कूलों में छुट्टी रद्द करने का मामला लोकसभा में भी उठा। कांग्रेस सहित वामपंथी और AIADMK के सांसदों ने ये मुद्दा उठाया। उनका आरोप था कि सरकार ने क्रिसमस के दिन स्कूलों को खुला रखना जरूरी बनाकर अल्पसंख्यक समुदायों की भावना आहत की है। Asking them to present on that auspicious day in schools for participating programs like essay competition, you are really hurting the sentiments of the minorities. इस मामले पर अवरोध की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी। हालांकि सरकार की ओर से ये सफाई दी गई कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। CBSE, नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, there is no circular to say that you must run the schools on the day of Christmas, Holy Christmas on 25th. There is no such instruction, number one. 25th of December is Christmas and will be celebrated as such in our schools, and the schools will be shut on that day, will not operate. It is a holiday. And the essay competition is online, voluntarily available to all students who seek to participate. दरअसल 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। इस दिन को केंद्र सरकार ने गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में एक सर्कुलर जारी कर नवोदय विद्यालयों को गुड गवर्नेंस डे मनाने के लिए कहा गया है। श्याम सुंदर, राज्यसभा TV। केंद्र सरकार ने माना है कि IAS के लिए ट्विटर अकाउंट चलाने के आरोपी मेहदी मसरूर विश्वास का कसूर ऑनलाइन प्रचार सामग्री को पोस्ट करने का है, लेकिन अभी तक इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि उसने IAS के लिए नौजवानों की भर्ती की या नहीं। संसद में एक बयान के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह जानकारी दी है। लगभग 24 वर्षीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जांच में ये पता नहीं चला है कि मेहंदी मसरूर IAS के लिए नौजवानों को भर्ती करने की कोशिश कर रहा था। लोकसभा में राजनाथ सिंह ने बताया कि ये युवक IAS की प्रचार सामग्री को अरबी से अंग्रेजी में अनुवाद करके अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करता था। मेहंदी विश्वास से की गई पूछताछ से ये पता चला है कि उसकी गतिविधियां IAS समर्थक सामग्री को अपने ट्विटर अकाउंट और सोशल मीडिया साइटों पर पोस्ट तथा रीपोस्ट करने तक सीमित थी। गृह मंत्री ने बताया कि मेहंदी को ऑनलाइन फॉलो करने वालों में अधिकतर पश्चिमी देशों में हैं। पूरे प्रकरण की पूछताछ के दौरान मेहंदी ने यह खुलासा किया कि उसके ट्विटर अकाउंट को देखने वाले 60% से अधिक लोग पश्चिमी देशों के गैर मुस्लिम लोग थे और उसके अधिकांश मुस्लिम फॉलोअर्स पश्चिमी देशों, विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम के थे। बेंगलुरु पुलिस ने कहा है कि ट्विटर से इस शमी विटनेस नाम के अकाउंट के बारे में और ज्यादा जानकारी मांगी गई है। इंग्लैंड के चैनल 4 में प्रसारण के बाद शनिवार को बेंगलुरु से मेहंदी मसरूर की गिरफ्तारी हुई थी और फिलहाल वो 5 दिनों की पुलिस हिरासत में है। श्याम सुंदर, राज्यसभा TV। तो IAS के आतंक को लेकर, ट्विटर अकाउंट चलाने के आरोपी को लेकर सदन में जरूर बयान दिया गया, चर्चा हुई। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने आतंक का दंश झेला है। सिडनी में एक कैफे में बंधक बनाए गए लोगों को कमांडो ऑपरेशन के बाद छुड़ा लिया गया। 16 घंटे तक जारी गोलीबारी के बाद हमलावर समेत 3 लोगों की मौत हुई। बंधकों में 2 भारतीय भी शामिल थे जो अब सुरक्षित हैं। सिडनी के मार्टिन प्लेस में 16 घंटे से जारी मुठभेड़ जब खत्म हुई तो एकमात्र हमलावर और 2 निर्दोष नागरिकों की मौत हो चुकी थी। इस हमले में एक पुलिसकर्मी समेत 4 लोग घायल भी हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबट ने कहा कि इस घटना से कई सबक सीखने की जरूरत है। As generous
and as safe as ours is vulnerable to acts of politically motivated violence. हमलावर की पहचान हारून मोनिस के तौर पर की गई। ईरानी मूल का ये शख्स ऑस्ट्रेलिया में शरणार्थी के तौर पर रह रहा था। उस पर पहले भी हिंसा के कई केस चल रहे हैं। उस पर अपनी पूर्व पत्नी की हत्या का भी आरोप है। ऑपरेशन के बाद ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता थी और हम उसमें सफल भी हुए। Our first thoughts and prayers this morning are with the innocent victims of this horrendous, vicious attack. I want to say to their family and friends that everyone in New South Wales stands beside you. सिडनी में कैफे के पास स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास को खाली करा लिया गया था। इस बीच ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर गई भारतीय क्रिकेट टीम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कैफे में फंसे दोनों भारतीय अब सुरक्षित हैं। विश्वकांत, अंकित रेड्डी और पुष्पेंदु घोष के घरों में खुशियों का माहौल है। And everybody. We are quite gratified by the efforts made by the Australian authorities in ensuring that this is brought to an end. Martin Place सिडनी का बेहद अहम इलाका माना जाता है। 16 घंटे की इस जद्दोजहद के बाद लोग अपनी दिनचर्या सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह से लोग इस हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात विधानसभा चुनाव की करते हैं। जम्मू कश्मीर और झारखंड में पांचवें और आखिरी दौर का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में दो रैलियों को संबोधित करेंगे। बिलावर के सांगेद में और जम्मू के एमए स्टेडियम में उनकी चुनावी रैली होगी। वहीं झारखंड में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह चुनावी रैली करेंगे। झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ में सोमवार को प्रधानमंत्री ने दो रैलियां की। पांचवें दौर के लिए प्रचार करते हुए उन्होंने आदिवासियों को उनके जल, जंगल और जमीन पर हक दिलाने का वादा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को चुनाव प्रचार के लिए दुमका जिले में थे। रैली में उन्होंने विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर को बेहद अहम बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चुनाव झारखंड का भविष्य तय करेंगे। उन्होंने खनिज संपदा के लिहाज से संपन्न होने के बावजूद राज्य की बदहाली का मुद्दा उठाया। क्या नहीं है आपके पास? आपके पास इतना कोयला है, क्या आप पूरे हिंदुस्तान का अंधेरा दूर कर सकते हैं? लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतना कोयला होने के बावजूद भी झारखंड अंधेरे में डूबा हुआ है। प्रधानमंत्री ने बरहेट में भी चुनावी सभा को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले अलग आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया था। पांचवें दौर के लिए 20 दिसंबर को मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तेलंगाना में नई सरकार बनने के करीब 6 महीने बाद आज राज्य मंत्रिमंडल का पहला विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक नए मंत्री सुबह 11 बजे राजभवन में शपथ लेंगे। अभी तेलंगाना सरकार में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव समेत 12 मंत्री हैं। कैबिनेट में 6 और सदस्यों के शामिल होने की गुंजाइश है। बिजली, नगर प्रशासन, उद्योग, सड़क और निर्माण जैसे अहम विभागों का कामकाज मुख्यमंत्री देख रहे हैं। वहीं कई मंत्री अन्य विभागों का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। तेलंगाना सरकार के मंत्रिमंडल ने 2 जून को शपथ ली थी। पेट्रोल और डीजल आज से 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। दिल्ली में अब पेट्रोल 61 रुपए 33 पैसे, वहीं अगर कोलकाता की बात की जाए तो 68 रुपए 65 पैसे, साथ ही मुंबई में 68 रुपए 86 पैसे और चेन्नई में 63 रुपए 94 पैसे पर मिलेगा। वहीं डीजल कीमतों की बात करें तो दिल्ली में 1 लीटर डीजल 50 रुपए 51 पैसे, कोलकाता में 55 रुपए, मुंबई में 57 रुपए 91 पैसे और चेन्नई में 53 रुपए 78 पैसे का मिलेगा। कच्चे तेल के पिछले दिनों पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी और इसके बाद विपक्ष ने कीमतों में और कमी करने की मांग की थी। खाने पीने की चीजें और ईंधन सस्ते होने से नवंबर में थोक महंगाई दर 0 पर पहुंच गई है। पिछले 5.5 साल में थोक महंगाई दर का ये सबसे निचला स्तर है। माना जा रहा है कि अब रिजर्व बैंक पर ब्याज दरें घटाने का दबाव और बढ़ जाएगा।
थोक महंगाई दर में लगातार छठे महीने कमी दर्ज की गई है। नवंबर में थोक महंगाई दर गिरकर शून्य पर पहुंच गई, जबकि पिछले साल नवंबर में ये दर 7.52% थी। अक्टूबर में थोक महंगाई दर 1.77% थी। आंकड़ों के मुताबिक खाद्य महंगाई गिरकर 3 साल के निचले स्तर 0.63% पर पहुंच गई। इसमें मई से कमी आ रही है। नवंबर में ईंधन कीमतों में सालाना आधार पर 4.91% गिरावट रही। लोगों के सिस्टम में ये सब जो निर्णय होते हैं इंटरेस्ट रेट्स वगैरह के, वो निर्णय आरबीआई लेती है, तो आरबीआई लेगी उन निर्णयों को, है ना। हम लोग अपनी तरफ पे जो कर सकते हैं सरकार के माध्यम से, हम लोग फिस्कल पॉलिसी पे ध्यान दे सकते हैं, हम लोग निवेश पे ध्यान दे सकते हैं, हम लोग अपनी तरफ से जहां इन्फ्लेशन मैनेजमेंट का जो भी कुछ हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। नवंबर में खुदरा महंगाई दर भी गिरकर 4.38% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। महंगाई कम होने से रिजर्व बैंक पर ब्याज दरों में कटौती का दबाव है, लेकिन जानकारों के मुताबिक अगले कुछ महीनों में महंगाई फिर बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देर से ऑफिस आने वालों को अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने सभी दफ्तरों को निर्देश दिया है कि वो 1 जनवरी से पहले बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली अपना लें। खुद प्रधानमंत्री लेट लतीफी करने वालों पर नजर रखेंगे। अभी सुबह के 9:15 बज रहे हैं और ये फर्क कर पाना मुश्किल है कि अटेंडेंस वाली ये सरकारी वेबसाइट सेंसेक्स मीटर से किस तरह अलग है। आंकड़ों की आवाजाही इस पर भी उतनी ही तेज है। attendance.gov.in पर देश के अलग अलग 149 दफ्तरों से आंकड़े आते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के जिन दफ्तरों में बायोमेट्रिक मशीन नहीं लगी है वहाँ 1 जनवरी तक इसको लगाने का निर्देश दिया गया है। रिसेंटली दैट बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम व्हिच हैज बीन इंस्टॉल्ड इन 149 लोकेशंस, नाउ इट हैज टू बी रोल्ड आउट इन द एंटायर कंट्री। इट इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय द पीएमओ एंड डीजीएसएनडी इज कमिटेड टू कंप्लीट इट बाय दिस मंथ एंड, सो दैट इट कैन बी रोल्ड आउट इन द कंट्री and installed in everywhere and then state governments can also adopt it. मामला सिर्फ कर्मचारियों की आवाजाही तक सीमित नहीं है, इसका अगला चरण ई ऑफिस प्रणाली को लागू करना है। इसके तहत ये पता चल जाएगा कि कोई कर्मचारी रोजाना कितना काम कर रहा है। With electronic document management system, what we call it e-office or e-office automation, we can even know did he really do something to earn his wages or her wages. And if he did it or didn't do it, what are the next that government can do by just simply being digital? मुश्किल ये है कि इसे लागू करने की समय सीमा बेहद कम है, महज 15 दिन अब रह गए हैं। देश में ऐसी मशीन बनाने वाली कंपनियां मुट्ठी भर हैं और ज्यादातर मशीनें चीन से आयात हो रही हैं। लिहाजा मशीन सप्लायर्स का कहना है कि उन्हें थोड़ा और वक्त मिलना चाहिए। इंडिया में है ये टेक्नोलॉजी, लेकिन इंडिया में बहुत कॉस्टली पड़ती है, इसलिए ये सारी मशीन बाहर से इम्पोर्ट की जाती है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी सस्ती है, जैसे चाइना से और यूएसए से ये टेक्नोलॉजी परचेज की जाती है। इस प्रणाली को प्रधानमंत्री के गुड गवर्नेंस की पहल का एक हिस्सा माना जा रहा है। राजकमल राव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में महिला सुरक्षा को देखते हुए महिला ड्राइवरों की मांग बढ़ी है। हाल ही में एक युवती से दुष्कर्म के मामले में ड्राइवर के पकड़े जाने के बाद बड़ी संख्या में लोग महिला ड्राइवरों की मांग करने लगे हैं। दिल्ली में महिला टैक्सी चालक मिलना आसान नहीं है, लेकिन देर रात शहर में आने जाने के लिए अब महिलाएं एहतियातन ऐसे ड्राइवरों की मांग करने लगी हैं। उबर कैब में हुए बलात्कार के बाद दिल्ली पुलिस ने 115 महिला ड्राइवरों को प्रशिक्षित करने का काम शुरू किया है, लेकिन सखा नाम की संस्था पिछले कई साल से इस काम में लगी है। यहाँ सिर्फ महिला ड्राइवरों को ही रखा जाता है। एजेंसी के मुताबिक हाल की घटना के बाद उनके यहाँ ज्यादा कस्टमर आने लगे हैं। What we actually want to do is have women in more faces of public transport, in all possible faces of public transport, thereby making public transport as a whole safer. So we want to have women driving buses, we want to have women driving auto rickshaws, we want to have women driving metros. ये है 21 साल की लतिका, जो पिछले 3 साल से दिल्ली और NCR में ड्राइविंग कर रही है। लतिका को ड्राइविंग पसंद है और उनका मानना है कि इसके चलते उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ा है। काफ़ी लोग अच्छा एक्सपीरियंस देते हो, काफ़ी लोग कहते हैं नहीं ये ड्राइविंग सही नहीं है, काफ़ी जेंट्स जो ड्राइवर होते हैं वो गलत नज़रे से हमें देखते हैं, पर हम उसका सामना करते हैं, हम उसको कहते हैं कि ये काम गलत नहीं है। मैं 6 बच्चों को ड्रॉप करती हूँ, तो
मेरे पर उनकी जिम्मेदारी होती है कि मैं उनको सेफली लाऊं स्कूल तक और सेफली उनके घर तक पहुंचाऊं, और मैं ये रोज करती हूँ उन्हें उनके घर तक पहुंचा के फिर मैं ये गाड़ी खड़ी करके तब मैं अपने घर जाती हूँ। लतिका की तरह यहाँ 60 महिलाएं हैं जिनको ड्राइविंग से पहले खास तरह का प्रशिक्षण दिया गया है ताकि किसी भी आपात हालात में वो सही फैसला ले सके। टैक्सी में सुरक्षा के लिए GPS डिवाइस, मिर्च पाउडर स्प्रे के साथ साथ आपातकालीन बटन भी लगाए गए हैं। इसके बावजूद इन ड्राइवरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। Having a woman driver would give a certain sense of security. It provides employment opportunity and it may make certain people more comfortable. अब सरकार ने भी ऐसी पहल को प्रोत्साहित करने का फैसला किया है ताकि देर रात महिलाओं की आवाजाही में कोई मुश्किल ना आए। लेकिन ऐसी पहल करने वाली कई छोटी कंपनियां हैं जो सरकार से और ज्यादा मदद की उम्मीद लगाए हैं। अंशु जे सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आप बने रहे हमारे साथ, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।